नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी खेती .com में। हम आज बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे को लेके कि किस तरह से मधुमक्खी पालन किया जाता है। हम जैसे भारत देखते आए हैं कि मधुमक्खी हमारे दीवारों पे, पेड़ों की टहनियों पे और घरों में छत्ते बना के रहती हैं और उसको हम तोड़ के आग जला के उबाल के उन्हें निकालते हैं। एक वो अलग तरीका होता है मधुमक्खी पालन का, वो मधुमक्खियाँ खुद ही अपना छत्ता बनाती हैं। एक होता है वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करना कि किस तरह से एक लकड़ी के बॉक्स में मधुमक्खी को रखा जाता है, उसकी जालियाँ होती हैं और किस तरीके से उसको मतलब पालते हैं, क्या किस किस समय में वो अपना अंडे देती हैं, किस तरह का होता है हम जानेंगे। तो चलते हैं हम के भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरजिंदर सिंह जी। हरजन सिंह, हम मधुमक्खी पालन के बारे में आपसे जानने आए हैं कि किस तरह से आप मधुमक्खी पालन करते हो, किस तरह से कहाँ कहाँ आपको कठिनाइयाँ इस्तेमाल करनी देखनी पड़ती हैं, किस तरह से आपके परेशानी आती है कि मधुमक्खी पालन से कितने क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किस तरह हमारा शहद बिकता है, इसके बारे में आप हमें पूरी जानकारी देंगे। हमारे भाई साहब बताइए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी। अजय सिंह नाम है हमारे भाई साहब का। तो मधुमक्खी पालन हम किस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से स्टार्टिंग भाई करते हैं? मैं हिमाचल से हूँ जी, और मैं यूपी में हूँ, नौ झील में जी, और जहाँ बॉक्स लगाए हुए हैं जी। और ये तो भाई हर एक स्टेट में घूमती है जी, लेके जाने पड़ता है, जहाँ फूल हो वहाँ लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल। और दिक्कत इनसे अब ये हो रही है, जैसे ट्रेडर जैसे कंपनी वाले शायद नहीं उठाते हैं, कम रेट में उठाते हैं जी, क्योंकि शायद का रेट कम से कम अब 75 रुपये और 80 रुपये बुला रहे हैं जी। 75-80 रुपये शायद का रेट बता रहे हैं लीटर, किलो के हिसाब से? हाँ, किलो के हिसाब से। क्या करें हम, इतने दूर से हिमाचल से इधर बैठे हैं जी, वैसे ऊपर से मौसम खराब हो रहे हैं, इतना शायद भी नहीं निकल रहा है और 2 महीने से पड़े हैं सर्दियों में घर से बाहर जी। एक दारू की बोतल जो है वो 700 रुपये की आ रही है। बिल्कुल। और जो उस पर लिखा होता है कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। और जो हमारा शहद है जो लाभदायक है भाई, ये नुकसान किसी चीज में नहीं करता है जी। और इसका रेट है 75 और 80 रुपये। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि कम से कम मधुमक्खी पालने वालों के बारे में सोचो। बिल्कुल। क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और 20% जो मधुमक्खी पालन है वो छोड़ गए हैं जी, इसी वजह से। और 2-3 साल हो रहे हैं हमारा, मतलब कि जो रोजगार है ठप होता जा रहा है। जो मोदी जी ने 500 करोड़ प्रस्ताव पास किया था, वो पैसे कहाँ तक आए? आए भी हैं कहीं? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिए भाई साहब जी, वो तो बीच में हड़प हो ली है। अच्छा, आपको मतलब क्या जानकारी मिली थी जो सरकार के द्वारा कि क्या इनका इसको मधुमक्खी पालन को लेके कोई स्कीम आई थी? स्कीम आई थी 500 करोड़ रुपए की जी। तो उसमें क्या के लिए इसमें लोन मिलेगा जी, बी कीपिंग करने के लिए जी? वो अभी तक 1 भी रुपया कहीं हाथ नहीं आया छोटे बी कीपर को। ओके। वो जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वो बीच में ही मार गए, उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हमारे पास तो कोई चीज़ ऐसी पहुंची नहीं सरकार की तरफ से जी, जिसका हम लाभ हुआ हो जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जैसे मधुमक्खी पालन स्टार्टिंग करते हैं, मतलब कितने बॉक्स से स्टार्टिंग करते हैं, जैसे छोटे स्तर से अगर बिजनेस उठाते हैं, जैसे आपने भी उठाया होगा बिजनेस, तो आपने कितने बॉक्स से लेके स्टार्ट किया आपने? भाई जय, तो बिजनेस 10 बॉक्स से भी स्टार्ट कर सकता है कोई भी व्यक्ति। 10 से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, या तो अपने बजट के हिसाब से कैसे भी कर सकते हो आप। हाँ जी। तो एक बॉक्स में हम कितना शहद निकाल लेते हैं, किस तरह से हमें एक बॉक्स में कितना फायदा हो जाए होगा कि एक बॉक्स से हम कितना आइडिया लगाएंगे? मौसम अगर अच्छा हो मिनिमम 5 किलो शहद एक बॉक्स में, 5-6 किलो। कितने टाइम में अपना शहद पूरे बॉक्स में तैयार हो जाता है? 5-6 दिन में हो भी जाता है अगर मौसम सही रहे तो। अब तो 1 महीने बाद इसमें फार्म पे साइड पे आज शहद निकल रहा है। अच्छा, 1 महीने मौसम खराब चल रहा था, पिछले 23 तारीख को निकला था जी, 23 आने वाली है अब, तो 1 महीने में अब निकला है। एक बॉक्स में कितना शहद निकल आता है? 6-7 के करीब, 5-6-7 इतना निकल, 5-6-7 के करीब एक बॉक्स में निकल आता है। तो हम मतलब जैसे ये मधुमक्खियाँ हम कहाँ से लाते हैं और किस तरह से हम इनको स्टार्टिंग किस तरह से होती है हमारी? स्टार्टिंग इनकी सर ऐसी है, ग्रोथिंग इनकी, मतलब आप स्टार्ट करोगे काम जी, आप हमसे ले सकते हो या फिर हम चाहिए तो किसी और से भी, बी कीपर से ही मिलेगी आपको जी।
ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, नहीं आती है। बिल्कुल 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 यही होता है। तो हम जैसे हमने जितना जाना है कि जैसे आप अब फूलों का सीजन इस टाइम है यहाँ पर है, तो आप जैसे इधर आए जहाँ स्टार्टिंग जैसे हिमाचल में होता है या अदर का जहीं जहाँ फूलों की खेती होगी फलों की खेती होगी वहाँ से शायद मधुमक्खियाँ शायद वहीं से लेती हैं। हर जगह जाते हैं जहाँ पे फूलों की खेती होती है, जब मौसम जैसा होता है। अब गर्मी होती है इधर तो गर्मी में हिमाचल चले जाते हैं, तो गर्मी में बहुत परेशान हो जाती है मक्खी, उधर सेफ रहती है जी। फसल के लिए इसका बहुत फायदा, जिस फूल पे मक्खी बैठ जाएगी फसल भी डबल होती है। हाँ, अगर मधुमक्खी पालन अपने भारत में बंद हो जाए ना, दो साल में फसल होना खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं रहेगी दो साल में। इतनी बात तो मोदी जी बोली है। ये जो नहीं, मोदी जी बोल तो रहे हैं लेकिन मोदी जी उस पर ध्यान तो नहीं दे रहे ना। बिल्कुल बोली बिल्कुल। तो रहे हैं 500 करोड़ खुद अपने मुंह से बोला था उन्होंने, कहाँ गए वो, आ रहे हैं कहीं नजर? हम तो बस यही चाहते हैं कि सरकार थोड़ा ध्यान दे हमारी तरफ, हमारे भाइयों जैसे जो और भी हैं बीकीपर जी। मतलब इसके रेट में जो प्राइस है इसका, इसमें सरकार का मतलब इंटरफेयर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसको सरकार अपने दायरे में ले, ना कि ट्रेडर ऐसे तो अपनी मनमानी करते हैं जी, अपने मतलब मीटिंग करते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं और अपने हिसाब से रेट रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर सरकार इसमें अपना सरकारी रेट लगाए तो फिर हमको थोड़ा फायदा हो सकता है जी। मिनिमम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम भी 150-200 के पास इसका प्राइस हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। हमारे से लेके कंपनी अपना मार्का लगाती है जी, और उसका रेट वो कम से कम 500 केजी मतलब 500 रुपया केजी हो जाता है। की वजह से किराया बढ़े सब बढ़ गए, सभी खर्चा डबल हो गया और ये वहीं का वहीं पड़ा। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, सब कुछ मतलब ए टू जेड खर्चे बढ़ गए हैं जी। ना जैसे मान के चलो जैसे बरसात का मौसम आ जाता है, उस समय में हम देखते हैं कि मधुमक्खियाँ बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाते, हम जाते नहीं हैं करते हैं, तो उस टाइम हम किस तरह से शहद की पूर्ति करते हैं मधुमक्खियों को? जब बाहर से काम नहीं आता जैसे ऑफ सीजन में गर्मियों में जी, तो फिर इनको चीनी खिलानी पड़ती है जी। कम से कम 6 महीने चीनी खिलानी पड़ती है हमको। तो 6 महीने चीनी खिलाते हैं और उससे फिर हमें जैसे कि अब तो मान के चलो हम कुछ नहीं खिला रहे, ये बाहर से प्रकृति से फूल लेके आती है, शहद लेके आती है, स्टोर कर रही हैं, तो और फिर जो चीनी खिलाते हैं चीनी का हम अपने पास से खिला रहे हैं, चीनी तो अपने पास से खिलाएंगे और उसका शहद नहीं बनता, इसको गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है वही को। तो उसमें हमें तो उसमें भी कोई बेनिफिट कैसे निकालेंगे हम भाई? ये तो मान के चलो ये तो प्राकृतिक तरीके से ऐसा होता है जी, मक्खी ग्रोथ करती है। बिल्कुल, जैसे मेरे पास 10 डब्बे हैं, हाँ अगर सीजन ठीक चल रहा है ऑफ सीजन पर, मौसम अगर अच्छा है तो हम उनके 20 कर सकते हैं जी। चीनी खिलाएंगे अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, डब्बा भी नया लेना पड़ेगा, छत्ते सीट भी लेनी पड़ेगी। मतलब हम पूरा ना ऐसे सरसों के सीजन पे डिपेंड होते हैं जी, मेन सीजन होता है हमारा सरसों का। हाँ, हम पूरा साल हम खर्चा करते हैं जी, और 2-3 महीने मतलब इनकम होती है हमारी जी, और उसमें भी ये ट्रेडर वगैरह अपना रेट फिक्स कर देते हैं 75 का, पिछले साल 160 रुपए गया था। अच्छा, ट्रेड वगैरह लेके आपसे कोई लोकल वगैरह में भी कोई लेने आता है जैसे? सर नहीं, लोकल तो नहीं, जैसे ले आते हैं, एक दो, ऐसा कुछ नहीं है जी, बाकी इतना हम वो नहीं करते। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि एक शहद होता है कि उसमें क्या खासियत है जो मार्केट में डिब्बी में फर्टिलाइज करके और उस वैसा वैसा है, प्योरिटी जो मिलेगी हमारे पास मिल जाएगी। बिल्कुल, अगर हमसे परचेज करके ट्रेडर ले जा रहा है कंपनी में सहज जाएगा जी। सरसों का शहद ऐसा होता है ये जमता है। बिल्कुल, इसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए वो केमिकल डालते हैं। ओके, आप मेडिकल से जाओ लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है जी, लेकिन ये जमता है जी। मेडिकल से लाओगे जमा नहीं मिलेगा वो। बिल्कुल, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह पड़ चुके हैं, कुछ नहीं है, उसकी प्योरिटी नहीं है कोई। अच्छा, एक तो ये आपका ये शायद हो गया बॉक्स द्वारा पाला हुआ, एक शायद हम देखते हैं कि पेड़ों के छतों पे होता है, वो भी बेचते हैं गलियों में लाके करते हैं, बेचते हैं, उन शायद में क्या डिफरेंस होता है इन शायदों के? ऐसा है सर, उनकी कोई श्योरिटी नहीं है, वो क्या है शुगर वगैरह मिला के और नहीं, जैसे मान के चलो कि मेरे ही पास में पेड़ों पे मैंने खुद निकलवाया वो शायद, वो तो वही चीज सेम है कि मतलब वो भी मक्खी जही फूल से शहद ला रही है जी जी, और जे भी वही से लाएगी उसी तरह, और मक्खी ही शहद तैयार कर सकती है, ऐसी कोई मशीन बनी भी नहीं और बनेगी भी नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इतनी सर्दी में हम बाहर बैठे हैं जही इंतजार में भी सरकार थोड़ा हमारी तरफ भी देखे और थोड़ा बस रेट मतलब फिक्स होना चाहिए इसका। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी, जी सही लो सर, और पूछ लो कोई और कोई बात पूछ। जैसे हमने जाना है कि हमें मधुमक्खी पालन किस तरह से किया जाता है, मतलब कहीं बाहर से कोई मधुमक्खी नहीं लानी होती है, जो
मधुमक्खी पालन करते हैं उन्हीं से ही मिलके खरीदनी पड़ती है, बॉक्स खरीदने पड़ते हैं और उन्हीं की सहायता से ही ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें ये बताएंगे कि बॉक्स किस प्रकार दिए जाते हैं, मतलब मान के चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो आपसे कोई बॉक्स ले तो वो किस क्या पर बॉक्स लगाते हैं, मधुमक्खियाँ शायद लगाते हैं क्या उसका वो रहता है? वही 3,350 में मिलेगा जी। जी 3,350 में बॉक्स मिलेगा। 3,350 में आप उसको बॉक्स देंगे विद मधुमक्खी सहित? कैसे? कम्प्लीट विद कम्प्लीट। हाँ जी। अच्छा, एक बॉक्स पड़ता है? हाँ जी। 3,350 में उसमें एक बॉक्स में एक ही क्यून होती है सर। ओके। जो अंडे देती है बिल्कुल उसे आगे मक्खी बढ़ती रहती है। अच्छा, मेरे एक चीज पूछना मैं भूल गया कि अंडे मधुमक्खियाँ देती हैं और उन्हीं अंडों से और मधुमक्खियाँ बढ़ती हैं, तो इसमें मॉम भी होता है, अंडे भी, किस तरह से क्या वो करते हैं? अच्छा, इनमें कोई बीमारी भी आती है? हाँ भाई, बहुत बीमारी आती है। तो किस क्या कैसे पता पड़ती है कि क्या बीमारी है इनमें? मरने लग जाएंगी मक्खी गेट के आगे, मरेगी बहुत ज़्यादा, जैसे मर रही है अभी भी जी, कभी मैट वगैरह आ जाता है इनमें। तो उसके लिए हम कुछ करते हैं इनका क्या कुछ कर? एंटीबायोटिक डालना पड़ता है इनको, कुछ दवाइयाँ होती हैं, छिड़काव करते हैं उसका? नहीं, डालना पड़ता है बॉक्सों में। बॉक्सों में उसमें भी अगर हम एंटीबायोटिक ना डालें जी तो जे तो ऐसे खत्म हो जाएंगी। अगर एंटीबायोटिक डालें जी वो हमारी मजबूरी है, और बाद में ट्रेडर सैंपल जब चेक करते हैं तो उसमें बोलते हैं एंटीबायोटिक है भाई, वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी एक दिक्कत है। अब जो बीमारी है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो एंटीबायोटिक डालते नहीं है ना, फेल कर देते हैं सैंपल जी। अभी तो देसी चीज डालते हैं, जैसे अजवाइन का सत्त होता है जी, अजवाइन हो गई, अजवाइन और एसिड एसिड डालते हैं वैसे जी। ठीक, जैसे हमने देखा कि अगर हम किसान भाई को मधुमक्खी पालन करना चाहे तो उसको 3,000 से 3,500 के बीच में बॉक्स दिया जाता है और उस बॉक्स में मधुमक्खियाँ होती हैं, अंडे होते हैं, और आप 10 बॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, 50 बॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने जाना कि किस तरह से मधुमक्खी का पालन किया जाता है, जहाँ फलों की खेती होती है, जहाँ फल फूल होते हैं, वहाँ से नेचुरल तरीके से मधुमक्खियाँ अपने शहद को लाती हैं, स्टोर करती हैं, और हम 10 दिन में 3 दिन में भी शहद बॉक्स भरे जाते हैं और उनको मशीनों द्वारा निकाला जाता है। तो हमने आपको आज नई जानकारी दी मधुमक्खी शहद के बारे में। आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार किसान भाई।